नमस्कार दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम सिर्फ वही क्वेश्चन को लाए हैं जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो खास करके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में मिलेंगे, और हम आपको इस ये जो इंग्लिश है इसको हिंदी में आपको बताएंगे, समझाएंगे, और उसके बाद आपको इसका आंसर देना होगा। यानी कि ये जो हमारा जो सीरीज होगा वे ये जो है सुपर फास्ट क्विज होगा, यानी कि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे सीरीज का पार्ट वन है, पार्ट टू है। पार्ट वन जो है पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का लिंक होगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। दोस्तों, जब ये हमारा 500 से अधिक जो क्वेश्चन है, 600 के आसपास में, तो वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो पूरा का पूरा हिंदी में होगा। तो अगर आप लोग कोई इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना है तो हिंदी में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला देखते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम जाते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में भी कंप्यूटर का सवाल पूछा रहता है। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और हम आपको हिंदी में समझाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फिलहाल आप ये सीरीज को कंप्लीट कीजिए और इस सीरीज के बाद आपको हिंदी का जो कंप्यूटर क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसमें भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, पार्ट टू। और पार्ट वन में हम आपको 40 तक बता दिए थे और पार्ट टू में यहाँ पे 41 से लेकर के आपको शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल है यहाँ पे, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन, यानी कि जो मुख्य प्रकार का जो है कि सबसे अच्छा प्रकार का क्वालिटी का जो ग्राफिक होता है वो किससे प्राप्त हो सकता है। तो इसका यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए जल्दी किससे होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। यहाँ पे देखिए प्लॉटर इसका सही आंसर है। अब अगला हमारा सवाल है, कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि 80286 माइक्रो प्रोसेसर का कंप्यूटर कौन सा है। इसका सही आंसर बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है एट कंप्यूटर्स, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंस प्रोसेसिंग इज, एप्लीकेशन जो है किसके सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए और बी, दोनों का इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इनमें से कौन जो है प्रोसेसिंग नहीं है। तो यहाँ पे अरेंजिंग, मैनुपलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। तो इसका सही आंसर होगा गैदरिंग, गैदरिंग जो है एक ये जो है प्रोसेसिंग नहीं है, बाकी ये जो तीनों है वो प्रोसेसिंग है। हमारा अगला सवाल है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरी, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर था वो कब यहाँ पे जो यहाँ पे आविष्कार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा यूएसएसआर, जापान, यूएसए, यूके। तो इसका सही आंसर होगा यूएसए में जो है आविष्कार हुआ था। अब अगला है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इनहेंस द कैपिटल्स कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इसका सही आंसर होगा। और हमारा अगला सवाल जो है देखिए क्या है, टुडेज कंप्यूटर गैंट आईबीएम वाज अर्लियर नोन बाई डिफरेंट नेम, विच वाज चेंज इन 1924, व्हाट वाज द नेम, यानी कि जो 1924 में जो नाम चेंज हुआ है, ये जो आईबीएम है उसका पहले पुराना नाम क्या था जो कि 1924 में चेंज हो गया, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन, इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा सवाल है, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। यानी कि जो डिस्क ड्राइव जो होता है पहले किस सेक्टर के रिकॉर्ड में पहुंच सकता है, और एक जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो
किस जो डिस्क का एड्रेस का रिकॉर्ड होता है, तो उसे वेरीफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेस कौन सा है, उसका एड्रेस का उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा यहाँ पे देखो, बताइए, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑल द एबव, इसका सही आंसर होगा। अगला है, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन लॉजिकल सिक्वेंस इज कॉल्ड। जो अरेंजिंग में डाटा, जो लॉजिकल जो डाटा होता है सिक्वेंस में जो अरेंज होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बोलिए, सॉर्टिंग कहते हैं, क्लासिफाइंग कहते हैं, रिप्रोड्यूसिंग कहते हैं, समराइजिंग कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर इसका होगा सॉर्टिंग, इसे सॉर्टिंग कहते हैं। अगला होगा हमारा सवाल है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि जो हमारा जो लॉजिकल यूनिट होता है एलयू, उसका काम क्या है सीपीयू में, सीपीयू जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें उसका काम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए क्या। इसका सही आंसर होगा टू डू मैथ वर्क, यानी कि मैथमेटिक जो वर्क होता है वो इसका सही आंसर होगा। अब है, अबेकस वाज द फर्स्ट, यानी कि अबेकस जो था वो क्या था, पहला क्या था, अबेकस जो है क्या था। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल, बताइए। इसका सही आंसर होगा, ये जो अबेकस था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था। अगला है, इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, यानी कि जो 16 बिट का जो एड्रेस होता है वो किसको रैम में किसको वो स्पेसिफाई करता है, और द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी, तो उसका जो एड्रेस का जो होगा वो कौन सा एड्रेस होगा, जो 16 बिट का कंप्यूटर का एड्रेस जो वेरीफाई करता है। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा, ए 216, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा 65, पैंसठ 536 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, इंट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंट बाय, यानी कि इंट्रक्शन जो होता है और मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 53 का, 53 का सही आंसर होगा बाइनरी कोड्स, इसका सही आंसर है। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज द, यहाँ पे बताइए क्या होगा ये। तो ओसीआर रीडर क्या है कंप्यूटर टर्मिनल में, 54 का होगा, पीओएस टर्मिनल है। अगला है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कि जो ये इसका सही आंसर क्या होगा, काउंटर, एडर, रजिस्टर, नन ऑफ दीज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। अगला है, पीपुल ऑफ्टन कॉल एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसका ब्रेन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग चिप्स किसके लिए प्रयोग होता है, बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर, ए एंड बी ओनली, दोनों, बताइए। इसका सही आंसर होगा सेमीकंडक्टर। अगला है, द वैल्यू ऑफ इच बिट इन हिवन एज, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3 या 5 या 7, बताइए। इसका सही आंसर होगा 5। अगला है हमारा 59, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है नेपाल में कौन सा था, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा है, पढ़िए ऑप्शन, IBM 1401 इसका सही आंसर है। अगला है, मेनमोनिक ऑफ मेमोरी ट्रिक्स इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इसका सही आंसर बताइए, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ एबव, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज। अगला है, इंट्रोडक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज
कंसिस्ट ऑफ ओपी कोड, ओपीरियंड, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ दिज। बताइए क्या होगा इसका सेंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। बताइए इसका सेंसर क्या होगा। 62 का, 62 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ द मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। यानी कि जो रजिस्टर में जो अलाउ करता है लेफ्ट और राइट घूमने के लिए जो भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, काउंटर, लोडर, एडर या फिर शिफ्ट रजिस्टर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए 63 का सही आंसर क्या होगा। 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट करने के लिए उसको बोला जाता है शिफ्ट रजिस्टर। अगला है, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि पहला जनरेशन का जो सबसे मोस्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर 64 का, 64 का सही आंसर होगा IBM 650। ये इसका सही आंसर होगा। विच इज द कंसिडर्ड अ डायरेक्ट इंट्री इनपुट डिवाइस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इनपुट डिवाइस का। 65 नंबर, तो 65 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि लाइट पेन, माउस एंड डिजाइटर, ऑप्टिकल स्क्रीन सारा। अगला है, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टैच्यू ऑफ रिसोर्स एलोकेट टू अ प्रोसेस इज। उस सेट को क्या कहते हैं जो डिफाइन करता है पूरा रिसोर्स को, लोकेशन को, या जो लोकेट होता है उसको, जो कि उसके बारे में पूरा बताती है कि उसका जो उसका रिसोर्स है वो उसका प्रोसेस का वो। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका 66 का, 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन।